तो दोस्तों आज है आपको अष्टमी, तो आप सबको अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अभी 4:35 हो रहा है, फाइनली मेरा आज ये वाला जगह खाली है, कपड़ा पूरा फोल्ड हो चुका है। और ये जो है धोबी जी को देने के लिए जो कपड़ा यहाँ रखा हुआ है, ये थाक बढ़ता जा रहा है, बट फाइनली आज मुझे यहाँ से कहीं तो रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो आज इसको हटाना पड़ेगा मुझे। और देखिए किचन में आ जाइए, बर्तन तो मैं मोस्टली लगा चुकी हूँ। यहाँ पर बना रही हूँ खीर, क्योंकि तो कल है हवन घर में और कल कुंवारी लड़कियों को खिलाना है। अभी तक मैं किसी को बोलने भी नहीं गई हूँ, अब मैं जाऊँगी सबको बुलाने के लिए कि भाई कल आना है कह के, ठीक है। तो अभी खीर बना रही हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दूसरे स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि की दुनिया में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। आज है अष्टमी और पूरे 8, मतलब आप समझो पूरे 7 दिन के बाद आज शैम्पू की हूँ। हम लोगों में जो है ना वो शैम्पू नहीं करते हैं, 7 दिन शैम्पू नहीं करते हैं, अष्टमी को शैम्पू करते हैं। अष्टमी को पहले माता को सिंदूर वगैरह लगाते हैं, उनको पहले खोइछा भरते हैं, उनका खोइछा भरते हैं, उनको सब कुछ श्रृंगार का चढ़ाते हैं, जो भी है वो सब उनको चढ़ाते हैं, और फिर उनको सिंदूर लगाते हैं, और फिर खुद जो है वो सिंदूर लगाते हैं। तो पहले जो है आज पूरे 7 दिन के बाद शैम्पू की हूँ, तो सर ऐसे ही थोड़ा हल्का लग रहा है। आप सबको पता है मैं हफ्ते में 3 बार शैम्पू करती हूँ, और 7 डेज शैम्पू ही नहीं करूँ तो क्या है, क्या मतलब गजब का लग रहा था, अजीब सा मन हो रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको ये तो ब्लॉग आज अष्टमी को मतलब शूट कर रही हूँ, बट कल तो नौमी है, तो आप लोगों को अष्टमी की भी बहुत बधाई और आप लोगों को नौमी की भी बहुत बधाई। क्योंकि कल तो खीर का प्रिपरेशन आज से कर रही हूँ, क्योंकि कल 11 बजे के करीब में हवन है घर में, तो इस बार पता नहीं कौन वीडियो बनाने वाला है। हर बार तो गोल्डी रहती थी तो वो पूरा क्लिप वगैरह बनाती थी तो मैं अपलोड करती थी, बट इस बार तो मैं तो हवन पे बैठी रहूंगी, गुड्डू भी हवन में बैठे रहेंगे, तो वीडियो आखिर बनाएगा कौन? तो आप लोगों को हवन करते हुए ये सब वाले तो वीडियो मेरे मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि तो कौन बनाएगा वीडियो, है ना। बट हाँ, हवन हो जाने के बाद जो है आपको जरूर वीडियो में मींस दिखने वाला है। तो कल कल घर जो है सुबह में पूरा भरा रहने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो कल सब लोग आने वाले हैं हवन में, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो अभी जो है आपको खीर देखियो कि बनने के लिए चढ़ा चुकी हूँ। दूसरा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है काबली चना जो है फूलने के लिए डाल चुकी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो लाल चना फूलने के लिए डाली हुई हूँ मैं। तो काबली चना और लाल चना दोनों फूलने के लिए डाली हूँ, तो लाल चना और काबली चना दोनों को जो है रात में जो है बॉईल करके मैं रख लेने वाली हूँ। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा काम आसान हो जाने वाला है। और दूसरा कि कल क्या है कचौरी वगैरह सब बनाना है मुझे माता को भोग में लगाने के लिए, तो वो सब जो है वो सब करना है मुझे। तो एक तो पाठ रहेगा, काफी लंबा पाठ रहेगा, तो कल सुबह मैं क्या क्या करूंगी, तो ये सब काम आज करके रख लूंगी तो कल सुबह मुझे इजी हो जाएगा, ठीक है। तो वही सब प्रोसेस में लगी हुई हूँ। और ये जो धोबी जी के यहाँ जो कपड़ा देना है वो बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, उसको कहाँ डालू, घर में तो कहीं भी जगह ही नहीं दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं तो उसको घुसाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए अभी तक की कहानी यही है, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। 2 hours later तो भाई फाइनली जो है मेरा खीर बन के रेडी हो चुका है, फाइनली बन चुका है। अब मुझे पोछा लगाने में आज लेट हुआ, बट मैं सोची कि पहले खीर बना लेती हूँ मैं, और उसके बाद ही जो है मैं पोछा करूंगी, क्योंकि तो एक बार जब ये हो जाएगा ना तो फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये खीर बन गया, बस अब इसमें मुझे शक्कर और थोड़ा सा बादाम, किशमिश, किशमिश मैं नहीं डालती हूँ, बादाम, इलायची, शक्कर ये सब देना बाकी है। तो इसको एकदम अच्छे से कर देती हूँ मिक्स, ताकि ये एकदम मिल जाए, है ना। तब माता रानी को प्रसाद के रूप में देने में माता रानी को भी मजा आएगा, है ना, और जो कुंवारी लड़की माता रानी के बाद खाएंगी उनको भी अच्छा लगेगा। आज माता रानी मेरे अंदर एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि तो कल एनर्जी की बहुत आवश्यकता है ना। कल बहुत सप्तमी को मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था, बहुत ज्यादा वीकनेस माता दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अष्टमी नौमी 2 दिन और कैसे मैं निकालूंगी,
बट फाइनली जो है माता रानी की कृपा से हो गया। तो चलिए गैस को कर देती हूँ ऑफ और कार्यक्रम शुरू कर देती हूँ। तो फाइनली सजा धजा करके मेरा खीर रेडी है, सज धज के। एक ये इलायची ऐसे ही सॉलिड गिर गया इसके अंदर, छोड़ दी हूँ इसे मैं। तो फाइनली मेरा खीर बन के हो गया है रेडी। अब मैं चली पूजा रूम में पूछा करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, काम खत्म हुआ, एक बहुत बड़ा काम। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो महाराज आप कवर हो जाइए, ठीक है। The next day. दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं और बाहर एकदम अंधेरा ही है। 2 hours later. तो दोस्तों अभी 7 o'clock होने वाले हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो कि 7 o'clock होने वाला है। मेरा पाठ खत्म हो चुका है नवरात्रि का। मैं उठ चुकी हूँ, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो सबसे पहले मैं ये ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि अभी मुझे पूरा अभी तो भोग लगाई हूँ मैं, बट अभी मुझे और बहुत सारा भोग बनाना है जो माता रानी को लगाना है। वो सब भोग बनाऊँगी और फिर हवन में भी बैठना है मुझे। तो ये ड्रेस पहन के किचन में गई, मान लीजिए फिर वॉशरूम जाना पड़ा तो फिर ड्रेस फिर चेंज करना पड़ेगा। तो आज मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, ये आछू का है ये ड्रेस है। सेम ड्रेस आप बोल्डी के पास भी देखे होंगे। तो अभी जस्ट पार्ट कर रही हूँ, गला बहुत सूख रहा है दोस्तों। आप सबको नौवीं की, और ये वीडियो क्योंकि कल अपलोड होगा इसलिए आप सबको नौवीं की और दसवीं की बहुत बहुत बधाई। तो अभी मैं जा रही हूँ, जल्दी से ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर मिलते रहेंगे बीच बीच में। Sometime later. तो ड्रेस चेंज करके आ चुकी हूँ, 7 o'clock होने में अभी 5 मिनट बाकी है और यहाँ पे बैठ के पानी पी रही हूँ। गला बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वो 2-3 से कंटिन्यू वो जो सिंदूर लगा रही हूँ और वो जो टीका कुमकुम के साथ सिंदूर आ जा रहा है ना, वो उसके कारण यहाँ पे हल्का खुजली शुरू हो गया है मुझे। मतलब सिंदूर और उसके साथ वो आ जाता है ना, थोड़ा हल्दी जैसा जो होता है उसको, वो तो पूरा जो है मिलावट आजकल हर चीज़ में। तो यहाँ पे हल्का खुजली खुजली हो रहा है, थोड़ा रेड रेड हो जा रहा है। चलिए अभी 5 मिनट बैठूँगी, उसके बाद जाऊँगी फटाफट किचन में सब कुछ काम करने के लिए। मुझे अभी इतनी गर्मी लग रही है दोस्तों कि मुझे ये पंखे का हवा भी ना एकदम से कम लग रहा है। सीरियसली ड्राइंग रूम में ना एसी बहुत खलता है, बहुत खलता है। देखते हैं कब होता है, बट एसी बहुत ज़रूरी है ड्राइंग रूम में। माता रानी चाहेगी तो इस बार गर्मी में लगवाऊंगी ड्राइंग रूम में एसी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Sometime later. तो दोस्तों ये अभी देखिए, आज नौवीं है और आज नौवीं की पूजा हो चुकी है। वैसे समय तो अष्टमी है, 10:30 के बाद से नौवीं शुरू है। तो ये देखिए पूजा हो गई है मेरी अच्छे से। आप सभी माता रानी के आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। तो अभी आ गई हूँ किचन में दोस्तों, और ये जो अभी आप देख रहे हो, मैं ये काबली चना है छोले उसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें बिना प्याज लहसुन के बनता है ना, तो इसमें टमाटर के ऊपर बनाती हूँ। कुंवारी लड़कियाँ जो खाती हैं उनको बहुत पसंद आता है। तो अच्छे से जो है लाल लाल टमाटर कट कर दी हूँ ताकि जो है वो छोले मैं बना सकूँ। छोले बॉयल हो चुका है और उसके बाद जो है मैं खड़ा मसाला डाल करके और इस छोले को जो है वो बना लूँगी। और मोस्टली ये ड्राई ही रहता है तो बस बहुत टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए मेरा काला चना का मसाला रेडी हो चुका है और छोले चढ़ चुका है। अभी काला चना भी चढ़ा रही हूँ मैं। काला चना उबल के यहाँ रखा हुआ है, देख रहे हो सब हो गया है। बस अब बनाना है, कचौरी का आटा मिलाना बाकी है मुझे। तो चलिए सब जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ। Sometime later. तो
8:45 होने वाला है और खीर तो आप कल देखे थे, कल मेरा बन गया है, छोले बन के हो गया है रेडी, ठीक है। और ये काला चना जो है, ये जो माता रानी को मुझे अभी भोग लगाना है, ये भी सबसे ज़्यादा टाइम यही लिया बनने में, तो फाइनली ये भी बन के हो गया रेडी। बस सिर्फ इसके ऊपर मुझे वो धनिया पत्ती और थोड़ा सा हरी मिर्च जो है वो डालना है, ठीक है। तो चलिए, अभी कचौड़ी का आटा मिला करके रख चुकी हूँ, कचौड़ी का आटा है मिला के रख चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी कचौड़ी बना लेती हूँ, भोग लगा लेती हूँ, फिर ड्रेस भी चेंज करके फिर भोग लगाना है मुझे। 2000 years later. तो दोस्तों, हवन वगैरह सब खत्म हो गया, 12:30 के करीब में हवन वगैरह सब खत्म हो गया है, ठीक है, 12:30 के करीब, 12:30 में हवन खत्म हो गया है। और माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप लोग। अभी जस्ट WG और ये सब जो है सो अभी जस्ट गए हैं। 2000 years later. दोस्तों अभी शाम के 6:30 हो रहा है, तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 जैसे कि आप देखे हो। और अभी फाइनली जो है कुवारी लड़की, जो लास्ट अभी एक कुवारी लड़की बची थी, आराध्या नाम है उसका, तो वो अभी जस्ट अभी आकर के गई है, तो फाइनली अब जो है मैं प्रसाद जो है आज खा सकती हूँ। आज 6:30 तक, आज अभी तक प्रसाद नहीं खाई हूँ, तो अभी जो है अपना उपवास अभी प्रसाद खा करके आज का नौमी का उपवास जो है वो रखने वाली हूँ। कल दसवीं है, तो कल तो आप सबको पता है कि मैं कल खाने वाली हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो जल्दी से ये खा लेती हूँ और एक गिलास पानी पी लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाई। और आज है दशहरा और आज है डे सैटरडे, ठीक है, आज सैटरडे है शायद से, आज सैटरडे है, 12th October है, और आज मुझे खाना है, और आज मुझे खाना है, तो पहले तो आज मुझे खाना है तो पहले तो पूजा वगैरह सब करना है, तो घर में झाड़ू पोछा हो जाता है, सॉरी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद जो है आलू पराठा और छोले खाऊंगी। आलू बनने के लिए अभी डाल दे रही हूँ, आज बहुत वीक लग रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2 hours later. फाइनली दोस्तों आलू पराठा बनाए हूँ, चना है काला चना और छोले, टाइम हो रहा है 1 o'clock, तो अभी जो है सो फाइनली जो है पूजा वगैरह सब खत्म हो गया, तो अभी बैठ के खा रही हूँ, मुंह में आ रहा है बहुत ज़्यादा पानी, तो फटाक से खा लेती हूँ, जन्नत लग रहा है, जन्नत मुझे, पता है क्या। 2000 years later. अभी मैं 2 packets मंगाई, 2 plates मंगाई हूँ मसाला पूरी, और ये मैं अभी खाने वाली हूँ, अंशु को बोली थी, अंशु ऑर्डर कर दिया था, और ये 2 plates मसाला पूरी खा रही हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5 o'clock, टेस्टी टेस्टी मसाला पूरी दोस्तों। आज सुबह में 1 आलू पराठा खा पाई थी, सिर्फ 1 आलू पराठा, मतलब 1 bite खाने के बाद ही मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट कैसे कैसे करके 1 आलू पराठा खा के मैं सो गई थी, अभी उठी हूँ तो मसाला पूरी खा रही हूँ, खाने दीजिए खाने दीजिए।